थाना खैरगढ़ पुलिस टीम ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस टीम ने हत्या में प्रयोग किए गए रोड और ट्रैक्टर की पटली बरामद की है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। बता दें कि फिरोजाबाद थाना खैरगढ़ क्षेत्र में बीते दिनों हुई रामवीर की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस टीम ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस टीम ने वारदात में प्रयोग की गए ट्रैक्टर की लिफ्ट की एक पटली और एक रॉड बरामद की है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण ने मीडिया को बताया कि वादी व प्रतिवादी पक्ष में पूर्व से रंजिश चली आ रही थी, जिसके बाद आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने रामवीर की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र के निकाऊ गाँव के पास एक कॉलेज है, वहाँ पर एक रामवीर नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी 19 तारीख को। इसके संदर्भ में जिन पर आज जिनको आप लोगों के सामने रखा गया, जिन लोगों ने घटनाकारित किया था, इन लोगों के द्वारा बराबर कोशिश करी गई कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन जब इसमें क्षेत्राधिकारी सिकोहाबाद, थाना प्रभारी खैरगढ़, इनके नेतृत्व में टीमें 3 बनाई गई थी, इसके तहत जो कार्रवाई हुई उसमें निकल के आया कि ये एक साजिशन इस तरीके की घटनाकारित कराई गई जिससे चीज़ें एक्सीडेंट की लगें, जबकि हकीकत में सारी चीज़ें मर्डर की थी। इसमें ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया था और उसके साथ 5 लोग घटना में शामिल थे, सुरेंद्र, महेंद्र और युगेंद्र हैं, शिवराज, ललित, ये लोग हैं। इन लोगों से पूर्व में जो मृतक है उसका विवाद चलता था। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए।